Hello everyone, welcome to my YouTube channel and also welcome to Himachal Pradesh Employment News Segment. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लास्ट वीक जो भी नई अपडेट्स आई और एग्ज़ाम हो उनके बारे में. तो लास्ट संडे को असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्ज़ाम हुआ जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था. उसके बाद अगर हम इस संडे की बात करें तो इस संडे मॉर्निंग शिफ्ट में JOIT पोस्ट कोड 903 और शाम की शिफ्ट में बी कीपर का एग्ज़ाम हुआ. और अभी हम बात करने इसके बाद हम बात करने वाले हैं MTW मल्टी टास्क वर्कर की वैकेंसीज के बारे में, जिनको पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है और इन पे बीच में स्टे भी लगे. तो यहाँ पे कुछ लोग मांग कर रहे थे कि जो 4000 जो वैकेंसीज हैं, मतलब टोटल 8000 हैं और 4000 जो हैं वो CM की रिकमेंडेशंस पे भरी जानी है. तो उसमें बता रहे थे कि मतलब इसको जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों को ही वैकेंसीज मतलब उनको अपॉइंटमेंट दी जाए, इसमें जो है वो करुणामूलक जो है वो सबको नौकरी दी जानी चाहिए जो भी लोग इसके हकदार हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज भरी जानी है टोटल 4000, उसमें अभी 770 लोगों ने जो है वो अप्लाई कर दिया है. और आपके पास 7 दिन है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब जब कोई अप्लाई करेगा तो 7 दिनों में जो उसका रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा, तभी जाके उसको रिकमेंडेशंस के अंडर रखा जाएगा. इसके बाद ये न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि PWD में जो केस चल रहा था JEE सिविल पोस्ट कोड 695 के बारे में, उसके ऊपर एक याचिका फिर दायर करी गई थी. तो जो हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया हुआ है और उसने ये कहा कि जो भी लोग मतलब रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं था और वेटिंग पैनल से भी वो बाहर हो गए, उन वैसे वो लोग हैं लगभग 45 के आसपास वो लोग हैं, तो उन्होंने केस करा हुआ था. तो कोर्ट ने याचिका खारिज करी और अपने जजमेंट में बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने स्टे मांगा था, स्टे नहीं दिया गया. उसके बाद उन्होंने बताया था कि हमने 2 साल तक डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं दी, तो हमें इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना करा जाए. तो कोर्ट ने कहा कि हम उनको इस तरह से ज्वाइनिंग नहीं दे सकते और जिस तरह से रिक्रूटमेंट की पॉलिसी रहती है उस तरह से ही नेक्स्ट PWD डिपार्टमेंट में वैकेंसीज भरी जाएंगी. तो याचिका फाइनली खारिज हो चुकी है. अब उनके पास यही ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस केस के अकॉर्डिंग. यहाँ पे JBT BEd केस काफ़ी टाइम से ये चल रहा था और इसकी फाइनल जजमेंट आ गई, BEd वाले केस जीत के. और जो कोर्ट का डिसीजन था उसमें बताया गया था कि अगर BEd वाले भी JBT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा. और इस डिसीज़न के कुछ दिनों बाद JBT के जो भी कैंडिडेट थे या कॉलेज में जो पढ़ रहे थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी. और CM जो हिमाचल प्रदेश के CM हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी हम जो है इसकी में रिव्यू पटिशन डालेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. और अगर आपको पता हो तो जोधपुर में भी इस बारे में एक केस चल रहा था, JBT बसी BEd, और वहाँ पर JBT के पक्ष में वो केस हुआ था. तो अभी जो JBT वाले कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे और रेफरेंस में उस केस को रखने वाले थे, लेकिन उस केस में भी जो है वो जहाँ पे BEd वाले हारे हुए हैं उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है. और यहाँ पे जब सरकार ने कहा कि अगर रिव्यू पटिशन्स के बाद भी अगर केस नहीं जीता जाता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में एडवांस में BEd वालों ने सोच रखा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है. बाकी ये एक न्यूज़ भी पिछले वीक काफ़ी चली कि जो हिमाचल प्रदेश में कंपनीज़ हैं, चाहे हम ड्रग फार्मा कंपनीज़ की बात करें, लगभग 60% जो है वो ड्रग फार्मा कंपनीज़ हिमाचल प्रदेश में हैं. तो उनमें एक पॉलिसी रहती है कि 80% के जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय होंगे वो वहीं स्टेट मतलब हिमाचल प्रदेश से ही होंगे, लेकिन कोई भी कंपनी जो है इन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करती है. तो अब इस पर थोड़ा कंप्लेंट्स आने के बाद जो है वो अब जो डेटा है वो मांगा जा रहा है कंपनी से, उनको अपने एम्प्लॉयज़ जो भी हैं उनको बायोडाटा देना होगा और लॉ ऑफिसर वगैरह जो होते हैं वो ये देखेंगे कि सही है या नहीं है. और ये एक पिछले वीक की एडवर्टाइजमेंट ये भी एक आई थी कि 55 जो वैकेंसीज़ हैं वो भरी जानी है क्लर्क की सेक्ट्रेट में. तो काफ़ी ये न्यूज़ भी वायरल रही थी. और आपको पता ही है कि जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे ये कंप्यूटर के टीचर हैं इसके लिए भी पॉलिसी में मांग करी गई है और अदर डिपार्टमेंट में जो भी आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं सबके लिए एक पॉलिसी की मांगें करी जा रही हैं. और अब धीरे धीरे इलेक्शन का जो टाइम है वो भी आ रहा है, तो सबको पता है कि अगर अभी पॉलिसी नहीं बनाई जाती है और सरकार चेंज हो जाती है तो फिर उनको थोड़ा जॉब से रिलेटेड खतरा है, कि क्योंकि आउटसोर्स में आपको कभी भी
आपका कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट पे तो आप नहीं हो लेकिन आपको कभी भी जो आप सेवा दे रहे हो उसके उसे टर्मिनेट करा जा सकता है। तो इसके लिए सभी डिपार्टमेंट में जो भी आउटसोर्स पे काम कर रहे हो वो पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। हो सकता है आपको को कुछ टाइम के बाद सभी डिपार्टमेंट के में जो भी आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं उनके लिए एक पॉलिसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी जो कुछ टाइम के लिए हर डिपार्टमेंट से जो है वो उनके डिपार्टमेंट में जो भी लोग आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं उनका सबका बायोडाटा जो है वो कलेक्ट करा जा रहा है। फिर उसके बाद ही देखा जाएगा कि कितने कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो पॉलिसी बनेगी। तो लास्ट वीक की यही टोटल अपडेट्स थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।